हजार से ज्यादा, फर्स्ट टाइम हैदराबाद का ग्राउंड, हैदराबाद इंडिया का ग्राउंड, नॉन इंडियन मैच, वर्ल्ड कप में डेब्यू में 100 करना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। एंड व्हेन चिप्स वेंट डाउन, वो पर्ची, वो इमामुल हक, वो टट्टू मट्टू और ये भाबर, अबे कब स्कोर करेगा तू? जय हिंद दोस्तों। बराबरी का मुकाबला देखने को मिला आज पाकिस्तान श्रीलंका के बीच। टारगेट छोटा नहीं था, 345 चाहिए थे, जिसे पाकिस्तान ने बखूबी पूरा कर लिया, जीत गया है पाकिस्तान। लेकिन 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 गालियां बाबर आजम को फिर भी पड़ने वाली हैं। कप्तान बाबर आजम खुद कुछ बड़ा नहीं कर पाए, फिर से लगातार पिटते जा रहे हैं बाबर आजम। हर मामले में कड़ी टक्कर थी, 2 सेंचुरी श्रीलंका की तरफ से, 2 सेंचुरी पाकिस्तान की तरफ से। चलिए अभी देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का कैसा रिएक्शन है, उनकी नजर में कैसा था मैच, कैसी थी टक्कर, कैसी है जीत और बाबर आजम। श्रीलंका थले थले ते थले तो जनाब हो गया जे बल्ले 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 ते श्रीलंका थले थले ते थले। तो पाकिस्तान ने जनाब हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, हाईएस्ट एवर चेज इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप। हैट्स ऑफ टू रिजवान मेरे हमनाम। तो भाई बहुत ही अरसे के बाद 100 आया है, इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था। वर्ल्ड कप का अपना भी मेडन उसका 100, और 2019 में 100 आया था, काफी साल बीत चुके थे। तो 100 आज आया, नो डाउट क्रैम्प्स भी पड़े हैं जैसा तैसा भाईजान एंड तक, कोई बोले जी उसको वो उसकी आदत है ये, लेकिन मैच खत्म करके आया है, दिस इज व्हाट वी वांट। अब्दुल्ला शफीक, when you give chance to talented player, this is what they do. Abdullah Shafiq was amazing. Tareefein kar rahe hain log ji, itni shandar, behtareen, kya khela hai, kya shandar. Aur calm, cool, like cucumber under pressure. It's not easy. Sare 300 board pe lage hue hain. Bhai jaan, hum yahan pe aatma phool gaye the, ho gaya. Babar out gaya. Match khatam. Main to tweet kar diya tha. Pakistan hi baarega. To jinab chuti, farak. लेकिन hats off to both of them, बहुत ही तगड़ी पार्टनरशिप आई है। 176 रन और वो भी अच्छे स्ट्राइक रेट से। 48 साल की हिस्ट्री वर्ल्ड कप की तहस नहस करके रख दी। बाबर कहना चाह रहा था हमारी बैटिंग अच्छी है, उसके मुंह से बात ही निकल गया। तो करते कराते भाई साहब कमाल ऐसा कर दिया, दिस इज टीम पाकिस्तान फॉर यू। भाईजान हमें भी बीच में कभी कभार डाउट्स हो जाते हैं काफी, लेकिन हमने 10-20 कर ही दिया। 15-20% तो दिया ही हुआ था कि है, 0% का चांस होता है, 0-15-20% फिर भी क्रिकेट में बहुत चांस होता है। अब्दुल्ला शफीक देखें, स्पिनर्स को उसने निकल निकल के छक्के मारे और उसने पुल एंड हुक शॉट पे शॉट्स ली, सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेशन एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ये होता है टॉप ऑर्डर का बैट्समैन। ऐसा नहीं कि हर दूसरे मैच में पहले 2-3 ओवरों में आउट होकर बाहर चले जाओ। इमाम ने 15-16 रन नहीं क्रॉस किए, 6-7 मैच हो गए 8, और फखर ने 30 रन नहीं क्रॉस किए, 15-20 मैच हो गए। ये कोई तरीका है? आप साउथ शकील आज कर उसकी इनिंग जरा कैच को छूटे बट इट्स ओके। साउथ शकील इज परफॉर्मिंग, अब्दुल्ला शफीक इज परफॉर्मिंग, और एंड पे हैट्स ऑफ टू रिजवान, क्या कमाल का भाई खेल के गया और एंड तक मैच फिनिश करके नो डाउट आया। 70 गेंदों पे 80-85 रहता था, इतना करीब आ गए, क्योंकि ये टीम पाकिस्तान है, आप कभी भी कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते। मैं भाई जब तक ये लाइन ओवर क्रॉस नहीं होती ना, तो तब मजा आएगा। तो हैट्स ऑफ टू देम, बोथ ऑफ देम, उन्होंने श्रीलंका से की ग्रिप से मैच निकाल लिया, बहुत ही बेहतरीन। मोहसिन भाई मजा आ गया, और आज हमने जो शुरुआत भी किया बल्ले बल्ले ते बल्ले ते थले थले श्रीलंका, तो बहुत ही बेहतरीन, इससे कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा पाकिस्तान की टीम का। हैट्स ऑफ टू द बॉयज, बॉयज प्लेड वेल मोहसिन भाई।
वॉइस क्लियर बात। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। सबसे पहले 23,000 से ज्यादा, फर्स्ट टाइम हैदराबाद का ग्राउंड, हैदराबाद इंडिया का ग्राउंड, नॉन इंडियन मैच, 23,000 से ज्यादा ग्राउंड, एंड देवर कैरिंग पाकिस्तानी फ्लैग, सपोर्टिंग पाकिस्तान, देवर सपोर्टिंग पाकिस्तान टीम, देवर मेंशनिंग अब्दुल्ला एंड मोहम्मद रिजवान एंड अबव ऑल राजस्थान रॉयल्स, राजस्थान रॉयल्स, दे ट्वीटेड फॉर रिजवान, द नेम ऑफ ट्रस्ट, द नेम ऑफ ट्रस्ट, आज कमाल कर दिया। पूरी दुनिया ने देखा कि जो लोग ये समझते हैं कि इंडिया के ग्राउंड में, इंडिया के ग्राउंड में पाकिस्तान की टीम खेले और उसका सपोर्ट ना हो, ये आज पूरी दुनिया ने मौजा देख लिया। थैंक यू वेरी मच टू इंडियन हैदराबाद। उनके लिए शर्म की बात है, जो दुश्मन दुश्मन बोल, जो दुश्मन खेलते हैं उनके मुंह पर लानत है, ऊपर वाले की, सारों की लानतें उन्हीं के मुकद्दरों में लिख दी गई है। 1,01,00,000 बंदा मैच देख रहा है पाकिस्तान और श्रीलंका का हॉटस्टार पे, 1,01,00,000 बंदा देख रहा है। ये इमाम पर्ची, ये जमान पर्ची, ये अर्थर पर्ची, ये जका अशरफ पर्ची, ये नजम सेठी पर्ची, इन सारी पर्चियों पे भारी फेर दिया अब्दुल्ला शफीक ने। बार बार वर्ल्ड कप में डेब्यू में 100 करना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। एंड व्हेन चिप्स वर डाउन, वो पर्ची, वो इमामुल हक, वो टट्टू मट्टू टीमों के खिलाफ 50 की एवरेज, 3,000 रन। अब कहा आशिम आमला, कुआ तू डबर आमला, और गली में लेकर जो तेल हम फेंक देते हैं तू वो भी नहीं है, डबर आमला भी नहीं है, डबर भी बड़ा ब्रांड है। और ये भाबर, अबे कब स्कोर करेगा तू? और आप देखें, ये है अब्दुल्ला शफीक, ये है जो भी है, क्रांस पढ़ रहे इंडियन बिशप, और ये भाबर, अबे कब स्कोर करेगा तू? कब करेगा? और आप देखें, ये है अब्दुल्ला शफीक, ये है जो भी है, क्रांस पढ़ रहे इंडियन बिशप स्मिथ, जो बैठा वो कह रहा पाकिस्तानी नहीं, वॉटसन, हेडन कह रहे इसके खून में रेजिलियंस है, इसके खून में बहादुरपन है, ये जो है बॉन्ड फाइटर है, रिजवान के लिए भाईजान होते ही फाइटर है, रिजवान के लिए खेल रहा, क्रैम्स है, लंगड़ा, लूला, स्वेटिंग ब्लड, बट ही इज अ फाइटर। कमाल खेले भाई सदीरा और मैंडिस, दोनों ने पाकिस्तान की सो कॉल्ड नंबर वन बॉलिंग की धज्जियां उड़ाकर रख दी। किस किस को नहीं पीटा दोनों ने, हर एक गेंदबाज को कस कस कर दिया, छक्के भी बहुत लगे, श्रीलंका की तरफ से टोटल 9 छक्के लगे, जवाबी कार्रवाई भी गजब थी। इमाम एक बार फिर नाकाम हुए, वन डाउन पर उतरे बाबर आजम का हाल भी एक बार फिर से वही हुआ जो अभी तक होता आ रहा था। आप अपना रिएक्शन भी दीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा या हमें बातचीत पर भी अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इजाजत, जय हिंद।